फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। उत्तर प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से किसानों से उनके गेहूं को फसल को खरीदना शुरू कर देगी। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2022-23 में होने वाली खरीद के लिए गेहूं का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। सरकार किसानों से 2015 रुपए में 1 क्विंटल गेहूं खरीदेगी। यह गेहूं सीधे किसानों से खरीदा जाएगा। गेहूं बेचने के लिए किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गेहूं बेचने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए किसानों को पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर जाना होगा। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा, जिसे पोर्टल पर भरना होगा, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होगा। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस काफ़ी आसान और सरल बनाया गया है, लेकिन इस प्रोसेस को करते हुए कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान भी रखना होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन करते वक्त किसान अपना वही नाम दर्ज करें जो आधार कार्ड में है। रजिस्ट्रेशन में भी उसी नाम का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही सही आधार कार्ड नंबर भी बनना ज़रूरी है। किसान पुरुष है या महिला, इसकी भी जानकारी भरनी होगी। बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराते समय परिवार के एक सदस्य को नॉमिनी के रूप में रजिस्टर्ड कराने की व्यवस्था के तहत नॉमिनी के आधार कार्ड की जानकारी भरना भी ज़रूरी है। पिछले साल की तरह ही इस साल भी गेहूं खरीद की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और ईपॉप मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज के जरिए ही होगी। इसके साथ ही किसानों को भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाएगा। PFMS के जरिए तुरंत ही किसानों को पैसे मिल जाते हैं। इसके लिए सरकार ने किसानों से अपील भी की है कि अपने संयुक्त बैंक खाते की जगह पर एकल बैंक खाते को ही रजिस्ट्रेशन में दर्ज कराएं। गेहूं खरीद में किसानों के आधार कार्ड से जो बैंक खाता लिंक होगा उसमें ही भुगतान किया जाएगा। वहीं जिन किसानों ने धान खरीद वर्ष 2021-22 में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।